देखिए ये IWM बज़ ने जो ये इवेंट जो क्रिएट किया है और ये जो प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर हम लोग हमारे जो आइडियाज़ हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं, और क्योंकि टीवी और वेब सब कुछ जुड़ चुके हैं आज के डेट में, और वेब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है ना, और मुझे लगता है कि सारे जो टीवी एक्टर हैं कुछ दिनों में वेब पे नज़र आने वाले हैं और फिल्म एक्टर्स भी वेब पे आ रहे हैं। सो ये टीवी, वेब और सिनेमा सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ चुका है, और आज का जो सुमित है इसमें बेसिकली यही कुछ आइडियाज़ शेयर किए जा रहे हैं जहाँ पर कैसे इस चीज़ को और बढ़ाया जाए, और ये आइडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आई विश कि ऐसे ही आगे भी चलता रहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने टीवी को ओवर पावर तो नहीं कहूँगा, बट वेब ने अपना एक अलग मुकाम बना लिया है, और फ्यूचर यू कैन से या फ्यूचर इज वेब। आने वाले दिनों में डेफिनेटली आप मुझे ज़्यादा वेब पे देखने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो होपफुली फॉर मी आल्सो वेब इज प्रायोरिटी नाउ, यू नेवर नो, मे बी। थैंक यू। फर्स्टली थैंक यू सो मच IWM बस, थैंक यू सो मच बाक इंडिया, थैंक यू सो मच कलर्स, आप सबने हमें यहाँ बुलाया, एंड दिस इज इट्स रियली नाइस, बहुत प्यारी जगह, एंड ओह मैन, ऑफ कोर्स वी नॉमिनेटेड फॉर, यू आर नॉमिनेटेड फॉर प्राइम टाइम हीरो, आई एम नॉमिनेटेड फॉर प्राइम टाइम हीरोइन, एंड आवर शो इज आल्सो नॉमिनेटेड। यार इनका पहला अवार्ड है और उसमें पहली बार हम लोग नॉमिनेट हुए, तो बहुत खुशी की बात है, एंड थैंक यू, आई जस्ट वांट टू थैंक देम यार, थैंक यू कलर्स, बाक इंडिया, IWM, बज, इंडियन विकी मीडिया, रॉक्स, आई थिंक बहुत अमेजिंग आर्टिकल्स होते हैं उनके, उनके सारे लोग से हम मिलते हैं, बहुत टाइम से जुड़े हैं, एंड श्री इज हियर, मनीषा इज हियर, these guys do an amazing job, and inshallah bus award hopefully mil jaye, boliye boliye bataiye ye to maloom hai pehle to award hai so we are very excited and nervous and you know mixed feelings hai kafi sari, but we are very happy to be here, and yeah after that yeah we will party, we are excited also, bahut dhamaal hoga, thank you so much, मैं काफ़ी सालों से स्टार प्लस के साथ जुड़ा हूँ, एंड इंशाल्लाह पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये सेम क्वेश्चन था। नहीं डोंट नो, मैं सिर्फ स्टार प्लस, मैं सिर्फ ये रिश्ता देखती हूँ, बट वी लव सलमान खान। नेक्स्ट साल अरे बुला,
Then winning the award, I think. So I think बहुत अच्छा लगा, बहुत excitement थी और एक appreciation kind of feeling आती है जब आप किसी भी चीज़ के लिए nominate होते हो तो. So feeling happy, yeah. आई थिंक दोनों की अपनी अपनी एक जगह है, कोई किसी को ओवरटेक या यू नो ओवरपावर नहीं कर रहा है, बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ इट्स ओन ऑडियंस, टेलीविजन हैज़ इट्स ओन ऑडियंस. सो आई थिंक उनको कोई उनका कोई मुकाबला नहीं है, बट येस इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव टुडे दैट्स मोर यूज़र फ्रेंडली एंड ट्रैवल फ्रेंडली एंड एवरीथिंग, सो दैट डिजिटल थोड़ा सा प्रेफर किया जाता है हर जगह. I feel somewhere or the other, content-wise, I think we make what people want on television. Digital is what the makers want to show you. So I think that's there are two different things. So I think एक होता है कि public demand पे आपको जो public को पसंद है वो ही दिखाते आ रहे हैं television पे. But yes, experimenting a little won't really hurt anyone. So I think experiments. मुझे तो मुश्किल लैंग्वेज भी मिलने बहुत मुश्किल थी, बट एंड येस इट इज़ डिफ़िकल्ट क्योंकि एक शो ऐसा जहाँ पे आप एक सेंसिटिव मैसेज पे आप बात कर रहे हैं, समटाइम्स इट कैन गो रॉन्ग एज वेल इन सर्टन पार्ट्स, बट देन आई थिंक इट इज़ अमेजिंग दैट आई एम गेटिंग अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस वेर आई एम एबल टू गिव आउट अ मैसेज एंड स्टैंड अप फॉर स्मॉल इशूज वेर वी आर स्टिल फेसिंग इन सच यू नो सिटीज और कंट्रीज और स्टेट्स वेर एवर जहाँ पे अभी भी लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं है. So I think TV is a very good platform to give out a message. I think look, nothing great. I didn't have the time. I didn't know if I'll be able to make it. But then I just shopped last minute and I just wore it and I came. Alright, thank you. Thank you. I'm here for the party. I think पार्टी के लिए माइंड प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, पार्टी के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर होते हो बिकॉज वी वर्क सो हार्ड थ्रू आउट द मंथ द ईयर की जब ऐसी पार्टीज होती हैं एंड यू मीट योर फ्रेंड्स यू आर ऑल इन द मूड टू हैव फन. आई डिडंट गेट यू. I honestly think कि we've grown as a television industry. हमने बहुत सारे changes already देख लिए हैं. I think बहुत सारा great content already आ रहा है TV पर. And I think कि see हर जगह हर field हर इंसान का एक होता है कि आप इससे you can always do better. So I think और भी चीज़ें हैं जो हम touch कर सकते हैं. And I also think मेरे जो perspective में है कि थोड़ा सा और अगर हम क्रिस्प कर दें अपना कंटेंट, थोड़ा सा और हम पेसी बना दें यूजली जैसे सीरीज़ होती है तो आई थिंक पीपल बी एबल टू कैच ऑन टू इट बेटर. आई थिंक यंगर क्राउड भी थोड़ी अटैच हो पाएगी हमसे अगर हम थोड़ा और फ्रेश कंटेंट दिखाएं तो. सी अगेन दोनों में बहुत वास्ट डिफरेंस है. जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है देन दैट समटाइम्स दैट गोज it's very bold and I don't think personally I would watch something that's extremely bold either. I think content aisa banna chahiye jo across audience dekh sake har age group hai har wo taki you have more people you know associated with you. So digital mein kuch yes kuch particular series kuch cheeze hain jo bahut achhi hain and I really appreciate it, but I think both the mediums have a lot of scope still. Thank you so much. Thank you.